दोस्तों और आपके सभी आभारी हूँ। लेकिन आज पहले भी मैं चंपारण आई हूँ, मेरे ख्याल यस मैं आई थी चंपारण का नाम में सुनकर मुझे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि हमारे घर में भी जो स्टाफ है जो हमारे घर में काम करते हैं एक दो चंपारण के भी हैं, बिहार के ही लोग हमारे घर में भी काम करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ एक भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य बनकर आपसे यही कहने के लिए आई हूँ कि आपको अभी जो पहली तारीख को जो चुनाव है उसमें आपको किसको वोट देना है। कमल का फूल वर्मा दिलीप वर्मा, अच्छी तरह से सोच समझ के किसको वोट देंगे। दिलीप वर्मा जी को जिताना है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम करती आ रही है पिछले कई सालों से। हमारे बहुत ही अग्रिम नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके शासन काल में इतना अच्छा काम किया, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ पूरे भारत देश में। अभी फिर से वैसा हमारे एक सौभाग्य मिला है, हमारे बीच एक ऐसे एक इंसान प्रधानमंत्री बने हैं जिनकी बहुत ही आवश्यक है इस वक्त हमारे देश को, देश के पूरे भागदौड़ को संभालने के लिए, वो है नरेंद्र मोदी जी। हम लोग बहुत ही खुश नसीब वाले हैं, आप लोग भी बहुत ही खुश नसीब वाले हैं, क्योंकि आपके बीच में नरेंद्र मोदी जी जैसे एक प्रधानमंत्री अभी हैं केंद्र में, और उनका साथ आप लोग बताएंगे तो आपका पूरा जीवन में इतना परिवर्तन होगा जैसे पूरा गुजरात बदल गया, और जहाँ जहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी की शासन है वहाँ सब देखिए कितना बदलाव आया है, कितने लोग खुश हैं, पूरा भारत देश आधुनिक बनता जा रहा है। आधुनिक बनने के लिए नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि भारत अगर बहुत आगे बढ़ना है तो पहले बिहार का विकास होना चाहिए। देखिए कितना सोचते हैं हमारे पार्टी वाले सारे नेता निस्वार्थ होकर काम करते आए हैं, इसीलिए बहुत अच्छा काम हो रहा है पूरे देश में, और उन्होंने हमारे देश का नाम इतना ऊंचा किया है ये प्रधानमंत्री जी। इससे पहले बाकी जितने भी प्रधानमंत्री थे किसी ने ऐसा नाम नहीं लेकर आया हमारे देश के लिए। हम लोग भारतवासी हैं, हमें भी गर्व होना चाहिए कहीं भी विदेश जाने से कि हम भारत के हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, हम लोगों के पास बहुत बुद्धि है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े लोग बने हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आपके बिहार से भी कई लोग आए हैं, कई लोग हैं लेकिन यहाँ नहीं है, आपके बिहार में बिहार की सेवा करने के लिए नहीं है, सब यहाँ से चले गए। आपके बेटे लोग जो बड़े बड़े पोजीशन में हैं, बड़े बड़े स्थान में हैं, वो फॉरेन कंट्री चले गए या यहाँ दिल्ली मुंबई ऐसे जगह में निकल गए, यहाँ क्योंकि रह नहीं सकते, यहाँ पर कानून की व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पर अच्छे स्कूल्स नहीं है, कॉलेज नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है। दिलीप वर्मा जी ने कहा यहाँ पर खेती बाड़ी में किसान लोग इतने तकलीफ में है, मैं देख रही हूँ बिहार में हेलीकॉप्टर से एसपीजी सुरक्षा है, उसका भरा है, प्रकृति का दिया हुआ इतना सौंदर्य है, इतना ऊर्जा है, लेकिन उसको बराबर उसका उपयोग नहीं करते हैं आपके जो अभी शासन चल रहा है, ये सरकार कोई मदद नहीं की, उसका दुरुपयोग ही किया गया है। आप लोग इतना कुछ मेहनत करते हैं लेकिन इसका कुछ मिलता है आप लोगों का किसान भाइयों को, इतनी तकलीफ दिन भर दिन रात आप लोग मेहनत करते हैं इस गर्मी में लेकिन उसका सही आप तो आमदनी भी मिलनी चाहिए कुछ नहीं है, और ये बिहार इतना बड़ा इतना विशाल है, यहाँ पर कितना कुछ हो सकता है, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े उद्योग है,
इंडस्ट्री वगैरह है यहाँ पर? आप लोग इतने नौजवान लोग खड़े हैं मेरे सामने, यहाँ पर इतने लोग हैं, आप लोग काम क्या करते हैं? छोटा मोटा घर में, किसी के घर में काम, ये थोड़ी आप लोगों को बड़ा बड़ा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, बड़ा एडवोकेट बनना चाहिए, है कि नहीं? आप लोगों के मन में इच्छा है कि नहीं है? आपके बड़े बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, उनको भी मन में यही होगा ना कि मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा ऑफिसर बने, पुलिस में बत्ती हो, बहुत बड़ा ये बने कोई। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ किया ही नहीं आपके लिए। पिछले वाली सरकार ने, लालू जी के सरकार ने कुछ नहीं, पूरा जंगल बना के रखा है। तभी सब लोग बोलते जंगल राज, जंगल राज। मैं भी सोच रही हूँ जंगल राज क्या होता है, तो जंगल राज ही है ना ये, है कि नहीं? क्या कुछ नहीं होता, वो जंगल ही है ना, जंगल में ऐसे कुछ भी हो रहा है। लेकिन आपका परिवर्तन चाहिए, विकास चाहिए, तो हमारे पार्टी के साथ आइए। मैं आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ, मैं हमेशा सच्चाई के साथ रह चुकी हूँ और मेरी वजह से कई लोग जीते हैं और वो लोग बहुत खुश है, कई 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 प्रांत में। मैं आपसे यही विनती करने के लिए आई हूँ, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे योजनाएं बनाई हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की पढ़ाई के लिए, आगे उनके खुद पे, खुद के अपने पैर पे खड़ा होकर काम कर सके, आमदनी मिले। और नौजवान जो लड़के जो हैं यहाँ पे इतने हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं, स्कूल ये सब बना रहे। और बुजुर्गों के लिए आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं, इतने बुजुर्ग बेचारे सब है, वो जैसे जैसे उम्र हो जाता बस घर में बैठे है, उनके लिए भी कुछ इतना अच्छा बैंक में से अच्छे अच्छे योजनाएं बनाएंगे, वो बताएंगे आप लोग, दिलीप जी सारा समझाएंगे, समझाते हो ना? बैंक में से लोन मिलेगा, कुछ भी काम करने के लिए आपको सब कुछ सहमति मिलेगी। ऐसे ऐसे योजनाएं बनाने वाली एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और जिसके आप प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी जी। इसलिए ये सुनहरा अवसर को आप खोने मत देना। खोदोगे क्या? जरा दिमाग लगा के, बुद्धि, आप लोगों का दिमाग तो बहुत अच्छा है ना, है कि नहीं? अभी दिमाग है ना, तो क्या करोगे? अभी बाकी पार्टी वाले आके आप लोग झांसा देंगे तो आप पकड़ जाओगे। आप हमें बहुत पसंद करते हैं, बहुत मान देते हैं ना, तो मेरी बात सुनोगे कि नहीं? सुन के क्या करोगे? आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए कुछ नहीं। मैं तो, आप लोग हमारे दिलीप वर्मा जी जीत गए तो कभी चंपारण में आके देखूंगी, एक बार कभी आऊंगी, लेकिन आप लोगों को यहाँ रहना है खुशी के साथ, आपके घर परिवार वाले बड़े खुश रहे, आपके रोड अच्छे बने, बिजली पानी सड़क सिंचाई सब कुछ हो, यहाँ पे अच्छे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, सब आप और आगे आइए, ये सब कुछ करेंगे क्योंकि हमारी सरकार होगी तो कर सकते हैं। हम ये विधायक बन के इतना कुछ कर नहीं सकते हैं, इसके लिए प्रॉब्लम है कि हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो सब कुछ बन जाएगा, नहीं बनेगा तो मुझे बताना, जरूर बनेगी, ठीक है? तो आप मेरी बात सुनेंगे, यही मेरा विश्वास है आपके ऊपर। आप हमारे दिलीप वर्मा जी बीजेपी के, उनको जिताइए, कमल का फूल 1 तारीख को बटन दबाना है, कमल का फूल, आप मेरे साथ बोलो, कमल का फूल न जाना फूल, मतलब बोलना नहीं,